वेलकम स्टूडेंट्स, आपके केबिल में एक टॉपिक आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबिल, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कुछ अलग कहानी होती है, लेकिन अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कहानी अलग हो जाती है। देन अब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबिल के बारे में पढ़ेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आसान सा टॉपिक है लेकिन लॉजिकल टॉपिक है। चलिए मैं एक केबल के कोर को कंसीडर करता हूँ, सही, मान लेते हैं मेरी केबल है और ये केबल का कोर है, ठीक। तो इस केबल में अगर केबल की कोर में अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई करूँगा तो एक करंट फ्लो करेगी, और उस करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, दिस, ठीक। मान लेते हैं ये केबल है, ठीक, और इस केबल में अगर करंट फ्लो कर रही है तो यहां से लेके यहां तक ये डायरेक्शन होगी, मतलब अलोंग द कोर। तो जब अलोंग द कोर करंट फ्लो करेगी तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो भी आपका अलोंग द कोर होगा, यानी कोर के साथ होगा, मींस इस तरीके से सीरीज में होगा, ठीक। और यहां पे मैं इसकी वैल्यू रख दे रहा हूं, माना आर वन आर टू आर थ्री। अब क्योंकि ये आपका सीरीज में है, सो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ती जाएगी केबल की, वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, यानी आर कोर प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक। जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारी केबल की, उसका जो रेजिस्टेंस होगा कोर का वो भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या होगा कि जो आपकी लीकेज करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब माना ये केबल है, ये इसका कोर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है, ठीक। तो करंट आपकी ऐसे 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 फ्लो करेगी, जिसे हम डायग्राम में देखते हैं कि ये केबल का कोर है, तो ये आपकी सेंटर से रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगी लीकेज करंट, ठीक। तो अब यहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस फॉर्म होगा वो आपका फॉर्म होगा पैरेलल में, ठीक। इसे मैं वैल्यू दे देता हूं आर फोर आर फाइव आर सिक्स, ठीक। और पैरेलल में होगा उसका मतलब क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, जितनी ज्यादा लेंथ उतने ज्यादा पैरेलल में रेजिस्टेंस, जितने ज्यादा पैरेलल में रेजिस्टेंस इफेक्टिव वैल्यू कम, मींस आर इंसुलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम कोर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है, बट अगर हम कोर के इंसुलेशन वाले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ करने में पहले हम एक केबल को कंसीडर करते हैं और केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं। ये रही हमारी केबल, ठीक। उसके बाद ये रहा हमारी केबल का कोर, कोर को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक। मैं इसकी रेडियस एज्यूम कर ले रहा हूं कि ये मेरी रेडियस है आर वन, ये मेरी रेडियस है आर टू, ठीक। ये है मेरी शीट केबल की और ये है कोर। तो आप यहां देखिए, यहां पे जो आपकी लीकेज करंट फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन क्या होगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं क्या करता हूं, मैं एच डिस्टेंस पर एक कोसेंट्रिक सर्किल ले लेता हूं और मैं वहां पे आर इंसुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जब वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो मैं इंटीग्रेशन के थ्रू अपने आंसर को जनरलाइज कर लूंगा। तो मैंने एक्स डिस्टेंस पर एक सर्किल खींचा, ये देखिए, ये सर्किल आपका एक्स डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस लिख दे रहा हूं इसकी
एक्स, और इस सर्किल की जो विथ है यानी चौड़ाई वो है आपकी डी एक्स, ठीक, डी एक्स चौड़ाई है, सही। अब सिंपल हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है आर बराबर रो एल बाई ए। अब इसी फॉर्मूले को मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए इंप्लीमेंट करता हूं। देखिए आर इंसुलेशन, आर इंसुलेशन इक्वल टू रो, ये आपका कॉन्स्टेंट आएगा या आपकी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इंटू लेंथ, ठीक। अब मैं लेंथ देखता हूं तो मुझे यहां पे लेंथ वाली वैल्यू लेनी है जिसके अक्रॉस मेरी लीकेज करंट फ्लो कर रही है, तो जो मेरी लेंथ है वो ये dx होगी, सही, मतलब ये केबल है तो ये वाली नहीं होगी लेंथ, ठीक, जो मेरी लीकेज करंट फ्लो हो रही है रेडियली आउटवर्ड मैं उस वाली लेंथ को कंसिडर करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा dx। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक, नीचे क्या है आपका एरिया, यहां पे एरिया क्या होगा, मेरी सर्कमफेरेंस क्या हो रही है 2 पाई x, जो कि x डिस्टेंस पे है, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई x इंटू एल, 2 पाई x इंटू एल, ठीक है। और मैं अपनी लिमिट क्या लूंगा इंटीग्रेशन की, मेरी लीकेज करंट कहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगी, यहां से, और कहां तक जाएगी, यहां तक, यहां पे है आर वन, यहां पे है आर टू, मीन्स जो मेरी लिमिट लगेगी वो लगेगी आर वन से लेके आर टू। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, आर इंसुलेशन इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, टू पाई एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, आर वन आर टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, आर इंसुलेशन बराबर रो 2 पाई एल एल एन आर टू बाई आर वन, तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। अब इस आंसर में देखिए जो मेरा आर इंसुलेशन है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर इंसुलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये रिलेशन ध्यान रहना चाहिए। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अगर मेरे पास दो केबल हैं, उनका अलग अलग इंसुलेशन रेजिस्टेंस है और उनकी अलग अलग लेंथ है, तो वो क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा आर इंसुलेशन वन पहली केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आर इंसुलेशन टू सेकेंड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन, ठीक, मींस ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें थोड़ा सा और भी क्लियर होगा कि हमें इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। ये न्यूमेरिकल एक बार आपका आ चुका है, देखिए लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज, लॉन्ग केबल इज 1 mega ohm फॉर ए 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल इट विल बी, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 mega ohm बी दे रखा है आपको, 2 mega ohm सी दे रखा है आपको,
0.86 मेगा ओम, डी दे रखा है आपको नन। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमें रिलेशन पता है, आर इंसुलेशन वन डिवाइड बाय आर इंसुलेशन टू इक्वल टू एल टू बाई एल वन। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मैंने आपको बताया है कि हमें पहले न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना होता है। ठीक, देखो लिखा है लीकेज रेजिस्टेंस, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस बात एक ही होती है, ऑफ ए 50 किलोमीटर लॉन्ग। तो यानी हमने लिख दिया चलो L1 बराबर 50 किलोमीटर। ठीक, इस 1 मेगा ओम यानी R1, R इंसुलेशन 1 बराबर 1 मेगा ओम। सही, फॉर ए 100 किलोमीटर लॉन्ग यानी L2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। सही, केबल इट विल बी 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए लीकेज रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये वैल्यू हमारे लिए वेरिएबल है। तो देखते हैं कैसे। सिंपल, आपको ये सारी वैल्यू फॉर्मूला रखनी है। आर इंसुलेशन 1 आपका 1 दे रखा है, 1। सही, आर इंसुलेशन 2 आपको फाइंड आउट करना है, तो आर इंसुलेशन 2 बराबर एल टू, 100 डिवाइड बाय L1 दे रखा है 50। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंसुलेशन 2 इक्वल टू 50 बाई 100, यानी ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ गई 0.5 मेगा ओम। तो ये ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन ठीक है। ठीक, तो इसी टाइप के सिंपल से न्यूमेरिकल अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आने हैं। थैंक यू।